लगता नहीं है क्योंकि ये कबाब इतना क्वालिटी वाला होगा, थोड़ी क्वालिटी मुझे डाउन लगी है यहाँ पर इसमें। ये लखनऊ का टेस्ट है जो हमें दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिला और खाने के लिए मिला, तो आप कभी भी यहाँ पर आओ तो जरूर ट्राई करना। ये लखनवी पुलाव की कबाब जबरदस्त यार, जबरदस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप साहब आप अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे यार। तो आज हम आ चुके हैं जाकिर नगर, और जाकिर नगर के अंदर माशाल्लाह भीड़ काफ़ी अच्छी लगी हुई है यहाँ पर। कितनी भीड़ होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं दिखलाता हूँ आपको बैक कैमरे में, क्योंकि कितनी भीड़ है यहाँ। तो ये देख सकते हो आप यहाँ की भीड़। अच्छी सजावट यहाँ देखने के लिए मिलती है, ऐसी सजावट हमें देखने के लिए मिलती है जामा मस्जिद के अंदर। लेकिन ये नज़ारा जो हम देख रहे हैं ये है जाकिर नगर का, दिखाते हैं आपको आगे आगे। आज सोचा कि आज भाई किसको एक्सपोज करें, तो भाई नए बंदे को एक्सपोज करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। अभी तो देखते हैं कि कौन होगा, क्योंकि अभी माइंड सेट नहीं है कुछ भी किस चीज़ के लिए आए हैं हम यहाँ पर। लेकिन देखते हैं क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, क्या अच्छा है आने में और क्या अच्छा नहीं है, ये आपको ट्राई करके बताएंगे। आप डायरेक्ट ट्राई करना भाई, जैसे बॉडीगार्ड होता है ना एक सेलिब्रिटी का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा कि वो सारी चीजें चेक करता है, क्वालिटी चेक होता है, तो वो क्वालिटी चेक हम करके देंगे। तो करना परेशान होगा आपको, बस आपको खाली जाना है वहाँ पर और टेस्ट करना है बस। अगर क्वालिटी के अंदर हमारे से कोई गलती हो जाए ना तो भाई बता जरूर देना, बाकी तो आप हमें प्यार दे ही रहे हो यार। तो चलते हैं नई डेस्टिनेशन कि भाई कौन सी जगह है और किसको करेंगे एक्सपोज, तो साथ में बने रहो यार, बस लेके चलते हैं आपको आगे। यूँ तो यहाँ के खाने काफ़ी अच्छे, फेमस और लजीजदार होते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है यहाँ की मार्केट। तो जाकिर नगर के अंदर कपड़ों की मार्केट इतनी फेमस है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से कपड़े लेने के लिए आते हैं, जैसे कि कुर्ता पजामा लेने के लिए आते हैं, लेडीज़ सूटें लेने के लिए आते हैं, लेडीज़ चप्पलें लेने के लिए आते हैं, बच्चों के कपड़े के लेने के लिए आते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी प्यारी है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जी हाँ, हम आपके सबके प्यारे शाहजी, और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज हमारा व्लॉग होने वाला है लखनवी गलावटी कबाब रेस्टोरेंट पर, जी हाँ। तो ये हमने सोचा था कि भाई कुछ अलग ट्राई करेंगे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना लखनवी गलावटी कबाब भी ट्राई किया जाए। तो भाई लखनवी गलावटी कबाब ट्राई करेंगे, तो देखते हैं हमारे भाई साहब, ओहो शमशाद भाई तो लगे पड़े हैं कुल्फ़ी में। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं लखनवी गलावटी कबाब, तो हमने सोचा आज लखनवी गलावटी कबाब चेक करते हैं। तो हमारी टीम तो वहाँ पहुँच चुकी है, देख सकते हैं, देखो हमारे बंदे वहाँ पहुँच चुके हैं, बस तैयारी कर रहे हैं भाई बैठने की वहाँ पर, और हम भी पूरे तैयार हैं। ये देख सकते हैं, कैसा नहीं है खाना और खाने की तारीफ करके बता दें, जरूरी नहीं है लेकिन एक्सपोज जरूर करेंगे। हाँ इस बार एक्सपोज करेंगे भाई। तो फाइनली हमें इसी मशक्कत के बाद सीट मिल चुकी है, सीट पर बैठ गए अपनी पर, और यहाँ पर भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई ऑर्डर वॉर्डर लेने आ जाए। थोड़ा सर्विस का तो मामला है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है, दो दो ब्रांचें हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर बन रहा है फिर भी हमें लेट हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, आ गए यहाँ पर हमारा ऑर्डर लेते हैं, देख सकते हो ऑर्डर हमारा ले लिया है भाई साहब, और तो इससे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा कि भाई जल्दी जल्दी लेके आओ। तो ये आ चुके हैं हमारा खाना, और भाई साहब आ चुकी हैं यहाँ के कबाब गलावटी वाले। जल्दी आ गया, मैंने ये बात ही कर रहा था भाई, अपना ऑर्डर भी नहीं कर रहे सर्विस के मामले में, कह रहे भाई हमसे अच्छी सर्विस को दे सकते। तो ये हमारे पराठे भी आ चुके हैं, बस अब हम तैयारी कर रहे हैं खाने की। तो भाई साहब से पूछते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं स्वाद, तो भाई साहब कह रहे हैं भाई खाने दे उसके बाद बताता हूँ, पहले खाने को मेरे को खाने दे। तो इसकी बात सुन के मेरे पे तो रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी भाई, मैं तो टेस्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद बताऊंगा आपको कि कैसा बना है ये वाला कबाब और ये क्वालिटी। टेस्ट करते हैं कबाब, उसके बाद बताते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं है, स्वाद जबरदस्त या नहीं या बस एवरेज है। तो ये हमने ले ली पहली वाइट अपनी, तो
इतना ज़बरदस्त है कि मुंह में रखते भूल गया यार, वाकई में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो ये आप देख सकते हो कि कबाब थोड़ा पिलपिला सा है और थोड़ा डाउन क्वालिटी का है, लेकिन स्वाद अच्छा था इसका। पहले खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। देख रहे हो आप कितने चल 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 पीछे आवाज आ रही है बहुत ज़्यादा, पहले खा दे उसके बाद बात। तो फाइनली हमारा खाना हो चुका है और हम बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। तो ये तो ईद के स्वैग वाला थोड़ा सा हिसाब किताब, तो हम पूछते हैं इनसे पैसे अपने। 535 रुपये सिर्फ हमारे, 535 रुपये चार बंदों ने खाए हैं ये कबाब और सिर्फ पैसे लगे हैं 535 रुपये। तो यार जरूर आओ एक बार ट्राई करो। वाकई में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी, एकदम खतरनाक। मैं कहता हूँ यार एक बार ज़रूर आना ट्राई करने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़बरदस्त तरीके से जो कि खाना खिलाया गया है यहाँ पर, जो कबाब बनाए जाते हैं ना यार, मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि ये लखनऊ का टेस्ट है जो हमें दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिला और खाने के लिए मिला। तो आप कभी भी यहाँ पर आओ तो ज़रूर ट्राई करना ये लखनवी गुलाव की कबाब। जबरदस्त खाने के फौरन बाद हम पहुंचे सीधा पहलवान जी के पास और पहलवान जी को हमने बोला कि भैया बड़ी बड़ी चार लस्सी लगा दो बढ़िया सी। तो पहलवान जी ने बोला वेट करो बस 2 मिनट का, ये आ चुकी है हमारी लस्सी और भैया ट्राई करने का हो गया है टाइम। तो भाई ट्राई करेंगे पहले शमशाद भाई और चाचा। तो चाचा और शमशाद भाई ने करी ट्राई, तो भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। तो अब भैया तोहित से बोला हमने, भैया तू बता दे तू देख ले। तो तोहित ने भी पी भाई, तोहित का भी मुँह चुप रह गया भाई, तोहित भी नहीं बता पाया भाई क्या है राज ऐसा। तो भाई देखते हैं, क्योंकि अब बारी मेरी आने वाली है कि मैं ट्राई करूँगा ये लस्सी और उसके बाद बताऊँगा आपको। चीयर्स दोस्तों, ये लस्सी कैसी है कैसी नहीं यार, वाह यार ज़बरदस्त। पहलवान जी आपने तो मज़े खड़े कर दिए भाई, पहलवान जी के पास ज़रूर आऊँगा यार, एक लॉग ज़रूर लाऊँगा मैं पहलवान जी के लिए।